उज्जैन के बड़नगर शहर में एक प्राइवेट स्कूल में छात्रा के साथ पिछले दिनों छेड़छाड़ की गई थी, उसे परेशान किया गया था, जिसकी शिकायत छात्रा ने और उसके परिजनों ने थाने पर पहुंचकर लिखित में शिकायत की थी, समस्या बताई थी और फिर नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उक्त शिक्षक के ऊपर अब शहरवासी पहुंचे नगर पालिका निगम के ऑफिस में और सौंपा ज्ञापन, और ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि प्राइवेट स्कूल संचालित करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए और शिक्षक पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस प्राइवेट स्कूल में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ज्ञापन सौंपने शहरवासियों ने और मांग की है ज्ञापन के माध्यम से। क्या जो ज्ञापन था, किन किन विषयों को लेकर दिया गया था और किस प्रकार से क्या रहा? बड़नगर में किसान मिशनरों द्वारा संचालित विद्यालयों के अंदर जो हिंदू समाज को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य हो रहे, जिसमें तिलक लगाकर विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करने देना, हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर प्रवेश नहीं करने देना, भले उपवास के समय फलाहार लेकर बच्चे जो पहुँचते हैं उन्हें फलाहार नहीं करने देना, जैसे कृत्य विद्यालय में जो संचालित हो रहे हैं, ये सीधा सीधा हिंदू समाज को ठेस पहुंचाना और धर्मांतरण की ओर इशारा करते हैं। इससे हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है। हमने अभी अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन के माध्यम से विद्यालय पर ठोस कार्रवाई के लिए चेताया है। अगर प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो फिर विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि उक्त विद्यालय में 2 रोज पहले बच्चों के साथ अनैतिक व्यवहार हुआ, जिसकी FIR पुलिस थाना बड़नगर में हुई। अभी उक्त विद्यालय की प्रिंसिपल फरार है, जिसको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जो अनैतिक गतिविधियाँ विद्यालय में संचालित हो रही, उच्च स्तरीय उसकी जांच हो, जांच होके उक्त विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई कर उसकी मान्यता रद्द की जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।